श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में सब लोग जानते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक थे। महाभारत का जो युद्ध था वो कृष्ण और अर्जुन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था, और अर्जुन थे वो कृष्ण के भक्त थे, मित्र भी थे। तो एक कहानी है, और कहानी यह है कि एक बार अर्जुन और कृष्ण के बीच युद्ध हो गया था। बड़ी विचित्र बात है कि अर्जुन जो कि कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण जी की हर एक बात मानते थे, वो कृष्ण से युद्ध कैसे किए, क्या परिस्थितियां बनी जिस कारण से अर्जुन और कृष्ण को एक दूसरे के सामने आना पड़ा। तो ये कहानी है। बात ये थी कि एक बार गालव नाम के ऋषि थे। तो गालव नाम के ऋषि वो हमेशा सुबह उठकर पूजा करते थे सूर्य की, सूर्य की आराधना देते थे। तो एक दिन अपने नियम के अनुसार जो गालव नाम के ऋषि थे वो अर्जुन की, वो सूर्य की उपासना कर रहे थे और अपने अंजलि में पानी रख के सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। तभी चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था, चित्रसेन नाम का गंधर्व था, वो आकाश से गुजर रहा था और उसने बीट किया। तो वो जो बीट था वो गालव नामक ऋषि के हाथ में, जो सूरज की तरफ अपना हाथ किए सूर्य को नमस्कार कर रहे थे, उनके हाथ में आके वो जो चित्रसेन नामक गंधर्व था उसका बीट, उसकी जो गंदगी थी उनके हाथ में गिर गई। इस बात से जो गालव नाम के ऋषि थे बहुत क्रुद्ध हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पुराणों में ये कहानी भी लिखी गई है कि ऋषियों को क्रोध आता है, और जो क्रोध आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रोध आता है। दुर्वासा भी क्रोधी ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे हालांकि कहा गया है कि परमात्मा की राह पे क्रोध पे नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अनगिनत घटनाएं घट जाती हैं, अनगिनत कहानियां हैं जिसमें ऋषियों को क्रोध आते हुए दिखाया जाता है। तो यही यहाँ पे जो गालव नाम के ऋषि थे उनको क्रोध आया, और यही जो क्रोध था वो बीज बना अर्जुन और कृष्ण के बीच युद्ध का। तो गालव नाम के ऋषि जानते थे कि यदि मैं अपने क्रोध के कारण चित्रसेन को शाप देता हूँ या चित्रसेन के खिलाफ कुछ स्वयं कार्य करता हूँ, इस कारण से जो मैंने तप किया है उसका नाश हो जाएगा। मैंने जो इतने दिनों से तपस्या की है उसका हनन हो सकता है। इस कारण से वो कृष्ण जी के पास गए और कृष्ण जी से कहा कि आप चित्रसेन को दंड दीजिए। मैं जब पूजा कर रहा था तो पूजा के समय उसने मेरे हाथ में बीट किया है, गंदगी फैलाई है। तब से कृष्ण जी ने तुरंत ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर दूंगा, गंधर्व का वध कर दूंगा। नारद जी थे, उनको ये बात ज्ञात हुई, तुरंत भागे भागे वो चित्रसेन के पास गए और कहा जो भी तुमको दान दक्षिणा करना हो, पुण्य के काम करना हो, करो, क्योंकि 24 घंटे के भीतर श्री कृष्ण जी आकर तुम्हारा वध कर देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है क्योंकि तुमने गालव नाम के ऋषि के हाथ में बीट किया है। ये सुनकर गंधर्व घबरा गया, वो लगा भागने, कभी देवताओं के पास जाता, कभी मुनियों के पास जाता, लेकिन सब लोगों ने उसको पनाह देने से मना कर दिया, भला कृष्ण से कौन दुश्मनी मोल ले। अंत में कुछ सुझा नहीं, यहाँ वो परेशान था। तब नारद मुनि ने उसको उपाय सुझाया और उसने कहा कि तुम जाओ
यमुना के तट पे आधी रात पे एक स्त्री आएगी, तुम उस स्त्री के सामने रोने गाने लगना, और जब तक स्त्री प्रतिज्ञा नहीं करेगी, तुम्हारी रक्षा का वचन नहीं देगी, तब तक तुम उसे बात मत बताना। इसी तरह से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। और फिर नारद मुनि चले गए सुभद्रा के पास, जो कि अर्जुन की पत्नी थी। और सुभद्रा को कहा कि आज बड़ा अच्छा योग है, यमुना के तट पे तुम यदि आज रात को जाओगी और अंधेरे में वहाँ पे स्नान करोगी तो बड़ा तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी। सुभद्रा ने नारद जी की बात मानी, और उधर जो चित्रसेन था, चित्रसेन नारद जी के कहने पर पहले ही यमुना के तट पर पहुंच गया था। उधर सुभद्रा आई नारद जी के कहने पर, और जो सुभद्रा थी, सुभद्रा ने देखा कि चित्रसेन नामक गंधर्व है, बड़ा रो विलाप कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है। तो सुभद्रा ने जाके उसे बोला क्या बात है, लेकिन चित्रसेन नारद जी के अनुसार उसने कोई बात बताई ही नहीं, रोता रहा। अंत में सुभद्रा ने उसको वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगी, बात कारण बताओ। तब जाके चित्रसेन ने कारण बताया। अब सुभद्रा वचन से बंध गई थी। तब उसने जाके अर्जुन को बताया कि ये बात है, मैंने चित्रसेन के जीवन के रक्षण का वचन दिया है, और चित्रसेन को वध करने का वचन कृष्ण जी दे चुके हैं, अब आप ही रक्षा करो। अर्जुन ने कहा ठीक है, तुमने वचन दिया, वो वचन मेरा है, मैं चित्रसेन की रक्षा करूँगा। उधर कृष्ण जी अपने वचन के अनुसार से चित्रसेन को मारने के लिए पहुँच गए, और इधर अर्जुन चित्रसेन की रक्षा करने पहुँच गए। जाहिर सी बात है, दोनों में युद्ध शुरू हो गया, बहुत भीषण और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं तो आपकी कृपा से ही युद्ध करता हूँ, और मैं आपकी कृपा से ही आपके साथ भी युद्ध करूँगा। और इस तरह से अर्जुन और कृष्ण में युद्ध शुरू हो गया। बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन अर्जुन भी कृष्ण से कम नहीं पड़ रहे थे, और कृष्ण भी अर्जुन को हरा नहीं पा रहे थे। अंत में नौबत ऐसी आई कि कृष्ण को अपना सुदर्शन का चक्र छोड़ना पड़ा, और अर्जुन को भी सुदर्शन चक्र से बचने के लिए पशुपास्त्र छोड़ना पड़ा। तो जब सुदर्शन चक्र और पशुपास्त्र आकाश में एक दूसरे के सामने आने लगे, तब सारी सृष्टि में प्रलय मच गई, और सृष्टि के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा। तब उसी समय महादेव जी आए, और महादेव जी ने आकर सुदर्शन चक्र और पशुपास्त्र दोनों को शांत किया, और फिर कृष्ण जी से कहा कि आप तो प्रतिज्ञा करते हैं, और कितनी ही बार आपने प्रतिज्ञा तोड़ी है, तो प्रतिज्ञा का तोड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि सृष्टि की रक्षा के लिए आप ये प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए। कृष्ण जी ने बात मान ली, और कृष्ण जी ने बात मानकर युद्ध करना छोड़ दिया। जब गालो मुनि ने देखा कि मेरी बात को, जो मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने, वो उन्होंने भंग कर दिया है, तब गालो मुनि को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कहा ठीक है, कृष्ण ने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने तपोबल से इस चित्रसेन का वध कर दूंगा। और उन्होंने अपने हाथ के अंजलि में पानी उठाई, और श्राप देने ही वाले थे कि तब तक सुभद्रा ने कहा कि यदि मैं कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ, और यदि अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम अनन्य है, तो ये जो गालो नाम के ऋषि हैं, इनके हाथ से पानी गिरेगा ही नहीं। तो ये देखकर जो सुभद्रा का कृष्ण के प्रति प्रेम था, और अर्जुन के प्रति कृष्ण के प्रति भक्ति थी, और अर्जुन के प्रति प्रेम था, वो इतना अनन्य था कि असल में गालो मुनि के हाथ से वो पानी गिरा ही नहीं, और उनका श्राप प्रतिफलित हुआ ही नहीं। तो ये कहानी थी दोस्तों कि कैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच लड़ाई हुई। तो ये गालो मुनि के श्राप के कारण लड़ाई हुई थी, और किस तरीके से
कृष्ण जी ने अपना वचन फिर भंग किया, अपनी प्रतिज्ञा फिर तोड़ी थी। और किस तरह से चित्रसेन नामक गंधर्व की जीवन की रक्षा हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये कृष्ण और अर्जुन के युद्ध की कहानी सुनी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।